मूवी की शुरुआत में हम लॉन्जबे और डकमस नाम के दो डक्स को देखते हैं जो किसी केज में बंद थे। लॉन्जबे उस केज को अपने टैबलेट की मदद से खोलने की कोशिश कर रहा होता है। डकमस उससे कह रहा होता है कि ये केज तुम्हारी टैबलेट से नहीं खुलने वाली है, और वो जोर से धक्का देता है और उनका केज वहाँ से नीचे गिर जाता है। तभी दरवाज़ा खोलकर एक आदमी आता है जो उस केज को लेकर खेलने लगता है। तभी वहाँ मिस नॉट नाम की एक लेडी आती है। वो डकमस को निकाल उसे मारने को दे देती है और लॉन्जबे को अपने साथ ही लेकर चली जाती है। आगे हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। लॉन्जबे अपने टैबलेट पे गेम खेलने में बिजी था। वहीं हम लॉन्जबे के फादर पेंगली को देखते हैं जो अपने मास्टर से एंशियंट कला को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास लॉन्जबे भागता हुआ आता है और उससे पूछता है कि वो लोग उड़ क्यों नहीं सकते, वो कब तक ऐसे ही एक जगह रहेगा। पेंगली उसे कहता है कि वो लोग मैंड्रीन डक हैं और उन्हें उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे कोई नया गेम डाउनलोड कर लेने को कहता है, पर लॉन्जबे कहता है कि अब वो टैबलेट पे कोई गेम नहीं खेलना चाहता क्योंकि वो अब इन सब से ऊब चुका है। वो उड़ना सीखना चाहता है ताकि वो बाकी दुनिया देख सके। पेंगली उससे कहता है कि उसे उड़ना सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ उनके आइलैंड के पास उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद है। तभी लॉन्जबे के पास मास्टर का एंशियंट बुक नीचे गिर जाता है। लॉन्जबे उसमें पढ़ता है कि हर 100 साल के बाद उनकी दुनिया पर अंधेरे का शैतान आता है जो सूरज की सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है और दुनिया खत्म होने के कागार पर पहुँच जाती है। पर कोई उस अंधेरे को रोक सकता है तो वो है संडक। पर दुनिया को बचाने के लिए संडक को अपनी जान गंवानी होगी। लॉन्जबे अपने डैड की तरफ देखता है क्योंकि सबको पता था कि पेंगली ही संडक है। पेंगली उससे बुक छीन लेता है। लॉन्जबे भी उस बुक की बातों पर भरोसा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो मास्टर पेंगली से कहता है कि हमेशा वीडियो गेम खेलने से उसके हेल्थ पर असर पड़ेगा। पेंगली उससे कहता है कि जब तक वो गेम खेलता रहेगा वो उड़ना नहीं सीखेगा क्योंकि लॉन्जबे ही रियल संडक था, और इसलिए पेंगली नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी खतरे में पड़े क्योंकि उस बुक के हिसाब से रियल संडक को अपनी जान गंवाकर दुनिया बचानी पड़ती है। और इसीलिए पेंगली ने इस बात को और किसी को नहीं बताया था सिवाय अपने इस मास्टर के। आगे हम एक मार्केट को देखते हैं जहां कैंगा और निक नाम के दो चोर वहां के दुकान से कुकीज चुराने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहां कॉपर नाम का पुलिस ऑफिसर अपने डॉग के साथ आता है और उन दोनों चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो सब भागते भागते एक बंद पड़े रेलवे ट्रैक पर जाते हैं, पर अचानक से उस पर ट्रेन आ जाती है और वो सब किसी तरह अपने आप को बचा पाते हैं। उस ट्रेन से मिस नॉट निकलती है जिसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान थे। मिस नॉट अपने आप को एक घर में ले जाने को कहती है। उसके पास उस घर की तस्वीर भी थी। वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि उस घर में तो कई साल से कोई भी नहीं रहता है, और वो मिस नॉट को उसके सामान के साथ उठाकर अपनी ट्रॉली पर रख लेता है और उसे उनके घर पहुँचाने निकल जाता है। यहाँ लॉन्जबे अपने टावर से देखता है कि कुछ डक्स का ग्रुप उनके आइलैंड पर आया है, पर उन डक्स का लीडर की बेटी एरिका अपने ग्रुप से निकलकर वहाँ टावर के पास रुक जाती है। लॉन्जबे उसे छुपकर देखने लगता है। वो सारे डक्स वहीं रुकते हैं। उन सब का लीडर डकमस नाम का एक डक होता है। वो अपने ग्रुप से कह रहा था कि वो लोग सही सलामत हवा पहुँच चुके हैं। लॉन्जबे वहाँ से उनकी बातें सुन रहा था। वो कहता है कि कैसे डक्स हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि ये हवाई नहीं बल्कि चाइना है। तभी उन सारे डक्स के पास पेंगली आता है और उनका अपने आइलैंड पर वेलकम करता है, पर डकमस उससे रूडली बिहेव करता है और कहता है कि वो यहाँ हवाई में छुट्टियाँ मनाने आए हैं। पर पेंगली उसे समझाता है कि ये हवाई नहीं बल्कि चाइना है, पर डकमस उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे वो एक मैप दिखाकर कहता है कि ये हवाई है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, और इसी बात को लेकर उन दोनों में वहाँ झगड़ा हो जाता है। तभी पेंगली का मास्टर उसे कहता है कि उसके सूरज को पंप करने का टाइम हो गया है। उन सारे मैंड्रीन डक का मानना था कि पेंगली ही सूरज को उगाता और डुबाता है। डकमस उस पर हंसने लगता है कि वो उससे डरकर भाग गया। वो अपने सभी ग्रुप्स की आर्मी से कहता है कि वो सब वहाँ पास की क्रूज में आराम करेंगे। इधर मिस नॉट के घर पे कॉपर नज़र रख रहा था क्योंकि उसे वो पसंद आ चुकी थी। तभी वो देखता है कि वो दोनों चोर वहाँ भी पहुँच गए हैं। निक मिस नॉट के घर के बाहर रखे सामान को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी कॉपर आकर उन्हें पकड़ लेता है और मिस नॉट को जाकर बताता है कि ये लोग उसके घर पर चोरी करने वाले थे, पर मिस नॉट उन्हें कॉपर से बचा लेती है और कहती है कि वो इसे छोड़ दे क्योंकि ये उसी के आदमी हैं। कॉपर उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। वो दोनों मिस नॉट को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं, पर वो उन्हें एक डक की तस्वीर देती है जो लॉन्जबे की होती है और कहती है कि ये एक बहुत ही रेयर डक है और उन्हें वो पकड़कर उसके पास लाना है। वो दोनों कहते हैं कि ये काम वो बड़े आराम से कर देंगे और उस डक को ढूंढने वो दोनों निकल जाते हैं। रात में लॉन्जबे छुपकर एक खुफिया रास्ते के थ्रू उस क्रूज के अंदर पहुँचता है। वहीं डकमस के पास उसकी सेक्रेटरी डून आती है और कहती है कि उसकी डॉटर ने उनके रूल्स को तोड़ा है और उसे अभी तक पनिश भी नहीं किया गया है, इससे उनकी आर्मी को गलत संदेश जाएगा।
डकमस एरिका को पनिशमेंट के तौर पे रूम में बंद कर देने को कहता है। डून एरिका को उसी रूम में ले जाकर बंद कर देती है जहाँ लॉन्जबे छुपा था। लॉन्जबे अपना सर ढक कर भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर एरिका उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लॉन्जबे उससे कह देता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालने आया है और वो उस खुफिया रास्ते से होते हुए उसे बाहर लेके आ जाता है। एरिका बाहर आकर बहुत खुश हो जाती है। वो देखती है कि लॉन्जबे उड़ नहीं सकता। लॉन्जबे उसे अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसके डैड ने उसे उड़ना नहीं सिखाया, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंड्रिन डक उड़ते नहीं हैं। एरिका कहती है कि सारे डैड्स ऐसे ही होते हैं, उसके डैड भी उस पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। लॉन्जबे कहता है कि हाँ, तुम्हारे डैड थोड़ा पागल लगते हैं। यह सुनकर एरिका उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एरिका फिर से लॉन्जबे के पास आती है। वो लॉन्जबे को उड़ना सिखाने लगती है, पर लॉन्जबे की पहली उड़ान काफ़ी निराशजनक रहती है, पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है। इधर वो दोनों चोर लॉन्जबे की तलाश करते करते उनके आइलैंड के बहुत करीब आ गए थे, पर वो आइलैंड चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था, इसलिए वो लोग एक जगह पे बॉम्ब लगाकर उसे तोड़ने का सोचते हैं। लॉन्जबे एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करता है और उस टावर से कूद जाता है। वो सच में अब उड़ पा रहा था। वो तेजी से उड़ने लगता है और जाकर वहाँ जोर से पहाड़ से टकराता है। उधर उन दोनों चोरों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, इसलिए वहाँ पहाड़ भी टूटती है। एरिका को लगता है कि लॉन्जबे के टकराने से वो पहाड़ टूटी है। लॉन्जबे वहीं तालाब में गिरकर बहने लगता है। उन दोनों के ब्लास्ट से वहाँ एक होल हो गया था, जिससे उस आइलैंड का सारा पानी वहाँ से बहकर बाहर जाने लगा था। लॉन्जबे भी बहता हुआ उस होल तक पहुँचता है, पर निक उसे लात मारकर अंदर धकेल देता है। लॉन्जबे फिर से हवा में ऊपर उड़ने लगता है। एरिका भी उसके पास आ जाती है। वो दोनों अब बहुत खुश थे। वो दोनों वहाँ से देखते हैं कि उनके आइलैंड का लेक का पूरा पानी सूख गया है। लॉन्जबे को भी लगता है कि उसने टक्कर मारकर पहाड़ में होल कर दिया और सारा लेक उसके थ्रू बह गया। लॉन्जबे एरिका से कहता है कि वो कब से उड़ना चाह रहा था, पर हमेशा उसके डैड मना कर देते थे। एरिका कहती है कि वो लोग साथ में कहीं और भाग सकते हैं। दोनों साथ में जाने लगते हैं, पर लॉन्जबे तुरंत वापस आ जाता है और कहता है कि वो अपने डैड को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। एरिका भी वापस अपने डैड के पास चली जाती है। अगली सुबह जब डकमस नहाने के लिए तालाब में छलांग लगाता है, तो वो देखता है कि तालाब तो पूरा सूख चुका है। वो गुस्सा हो जाता है और पेंगली से लड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे थे। वो दोनों अपने साथ के डक्स को लड़ाई के लिए तैयार करने लगते हैं, पर लॉन्जबे अपने डैड और बाकी सभी को बताता है कि लेक उसकी वजह से गायब हुआ है, क्योंकि उसने वहाँ के पहाड़ में टक्कर मारकर एक होल कर दिया था। उसके पास एरिका आती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ है। तभी वहाँ डकमस भी आता है, जिसे देखते ही पेंगली उसे एक लात मारता है और वो सीधा उस लेक में गिरने लगता है। जहानी उस होल के थ्रू अंदर आकर डकमस को पकड़ लेता है और उसे अपने केज में बंद कर देता है। एरिका डकमस को बचाने के लिए जाती है। तभी एक डक देखती है कि लॉन्जबे के सीने में सन का साइन चमक रहा है। वो कहती है कि ये तो सन डक है, मतलब अब तक पेंगली ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर रखा कि वो सन डक है। उसका मास्टर सबको बताता है कि उसने ये सब लॉन्जबे की जान बचाने के लिए किया था। लॉन्जबे भी एरिका की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है। वो दोनों चोर डकमस को लेकर मिस नॉट के पास आ जाते हैं। लॉन्जबे और एरिका भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए थे। मिस नॉट डकमस को देखकर उन दोनों पे गुस्सा करती है कि ये वो डक नहीं है जिसे वो लाने बोली थी। तभी उसकी नज़र वहाँ लॉन्जबे पे पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए जाती है। वो उसे भी पकड़कर डकमस के साथ ही बंद कर देती है। इधर पेंगली अपने बाकी सभी डक से कहता है कि उन्हें लॉन्जबे को बचाने के लिए जाना होगा और वो उन सबको उड़ना सिखाने लगता है। मिस नॉट सनराइज होने से पहले अपनी एक खास मशीन को रेडी करने लगती है और इधर कैंग उन डक्स के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके पास मिस नॉट आती है और डकमस को उसे मारने के लिए देकर लॉन्जबे को अपने साथ लेकर चली जाती है। एरिका भी अपने फादर के सभी आर्मी डक से उन्हें छुड़ाने के लिए उनकी मदद मांगती है। कैंग इधर डकमस को मारने वाला होता है, पर डकमस किसी तरह अपने आप को वहाँ से छुड़ा लेता है और वो कैंग को वहाँ उसकी रस्सी से बांध देता है। मिस नॉट अपने घर के ऊपर अपना मशीन सेट करने लगती है। उसका एंटीना सूरज की ऊर्जा को खींचने लगता है। डकमस को बचाने के लिए एरिका बाकी आर्मी को लेकर उसके पास पहुंच चुकी थी। पेंगली भी अपने बाकी सभी डक्स के साथ वहां आ चुका था। वो सारे डक्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और पेंगली के एक तीर से मिस नॉट का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी और वो वापस से अपनी जवानी पाने के लिए सूरज की सारी रोशनी को खींच रही थी, जिसमें उसे संडक की बलि देनी थी। पेंगली और उसके सारे डक मिस नॉट के सामने बहुत कमजोर पड़ रहे थे। तभी डकमस भी अपनी आर्मी के साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो अंदर चली जाती है और अपने सर पे एक मशीन लगा लेती है, जिससे उसे सूरज की ऊर्जा मिलने लगती है। वो वापस से जवान और सुंदर होने लगती है। लॉन्जबे भी उस केज के साथ ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर वहाँ के एक तार से बिजली के झटके लगने से उसका केज टूट जाता है।
मिस नॉट उसे पकड़ने लगती है। बाहर सारे डक्स मिलकर उसका एंटीना तोड़ देते हैं और पेंगले अपने डक्स के साथ मिलकर सूरज की रोशनी को एंटीना तक पहुंचने से रोकने लगता है। पर मिस नॉट के पास एक और बैकअप एंटीना था, उसकी मशीन फिर से काम करने लगती है। लॉन्जवे वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मिस नॉट उसे पकड़े हुए थी। लॉन्जवे सूरज की तरफ अपना हाथ करता है और सूरज का सारा पावर उसके सीने पे पड़ने लगती है और बहुत जल्द उसकी पावर से वो एक जलता हुआ आग का गोला बनकर मिस नॉट के घर में गिरता है। उसका सारा घर बर्बाद हो जाता है। एरिका लॉन्जवे को ढूंढने जाती है, वो वहीं दबा पड़ा होता है। सब सोचते हैं कि वो मर चुका है, पर लॉन्जवे जिंदा था। एरिका उसे गले लगा लेती है, पर वो मास्टर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसके बुक में तो लिखा था कि संडक अपनी जान देकर दुनिया को बचाएगा। लॉन्जवे उससे कहता है कि ये सब बातों में वो विश्वास नहीं करता, उन्हें अपनी बुक बदलनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कॉपर मिस नॉट से मिलने आया है, पर मिस नॉट अब एक बूढ़ी औरत लग रही थी, पर फिर भी कॉपर को वो सुंदर ही लग रही थी और वो उसे अपने साथ डेट पे आने का पूछता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।